नमस्कार दोस्तों, जब कभी सर्वाइकल के बारे में जिक्र आता है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं उसको एक मेडिसिन ज़रूर बताता हूँ होम्योपैथी की, वो है स्पॉन्डिन ड्रॉप। दोस्तों स्पॉन्डिन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और मैं इसे लगभग 10 सालों से अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ। हज़ारों पेशेंट्स को मैंने ये मेडिसिन दी है, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन बहुत बार मैंने स्पॉन्डिन ड्रॉप रिकमेंड की है। मोस्टली स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में मैं ये मेडिसिन ज़रूर बताता हूँ। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्पॉन्डिन ड्रॉप के बारे में। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी रीढ़ अलग अलग रीढ़ की हड्डियों से मिलके बनती है, जिसमें 4 टाइप होते हैं। पहला सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक, दूसरा थोरोसिक जिसमें T1 से लेकर T12 तक रहता है, उसके बाद लंबर जिसमें L1 से लेकर L5 तक रहता है, और उसके बाद सैक्रम जिसमें S1 से लेकर S5 तक रहता है, और लास्ट में कॉर्टेक्स। तो ये हो गई हमारी पूरी रीढ़। दोस्तों रीढ़ की हड्डियों के बीच का जो एरिया होता है उसे हम इंटरवर्टिब्रल एरिया बोलते हैं, और वहाँ पर एक डिस्क होती है उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। दोस्तों हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी रीढ़ की हड्डियों में बहुत तनाव आता है, और इस तनाव के कारण जो बीच का डिस्क है वो जो है वो घिसने लगता है, और जब वो काफ़ी हद तक घिस जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, और जब सूजन आ जाती है और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो घिस जाता है तो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं, जैसे C7 और C6 के बीच की जो गैप है वो कम हो जाता है, और गैप कम होने के कारण और सूजन आने के कारण हमें दर्द महसूस होता है इस एरिया में, और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जकड़न महसूस होती है। हो सकता है कि पूरे कमर में हमें दर्द हो, यहाँ के कारण हो सकता है कि हमारे पूरे हाथ में दर्द हो, ऐसे ऐसे करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो, ऐसे ऐसे करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जब आप बैठ के खड़े होते हैं तो चक्कर मार देता है। दोस्तों यही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब चलते हैं सीधे मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा मेडिसिन जिसका उपयोग करता हूँ, जो प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट्स को देता हूँ, वो मेडिसिन है स्पॉन्डिन ड्रॉप। दोस्तों स्पॉन्डिन ड्रॉप आपको दिख ही रही है, मैं पिक्चर लगा देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगी। दोस्तों ये मेडिसिन RL भार्गवा की ड्रॉप है। RL भार्गवा एक कंपनी है होम्योपैथी की, उनकी ये ड्रॉप है और बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। मान लीजिए कि मैं सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगा, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा ये आपको कहाँ पर मिलेगी, इसकी प्राइसिंग क्या है, और साथ में कुछ मेडिसिन और बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है डलकामारा। दोस्तों डलकामारा ठंडियों में, खासकर अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती है और बहुत तेज़ दर्द होता है, जकड़न होता है, और साथ ही साथ बरसात में अगर आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती है तो डलकामारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में चक्कर आता है और कोनियम मैकुलेटम वर्टाइगो को ठीक करता है, चक्कर को ठीक करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा। दोस्तों रूटा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसको ये हील करता है, उसको ये ठीक करता है, और धीरे 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 आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, रूटा से दर्द में भी आराम लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। दोस्तों नर्व जो आसपास की नसें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव और तनाव और कभी कभी बल्जिंग होने के कारण दबाव होता है, और नर्व में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो नर्व पेन के लिए हाइपेरिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सो नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम्पा। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को कम करता है, साथ ही साथ जो आपको सुइयों जैसा चुभता है, निडलिंग टाइप ऑफ पेन जिसको बोलते हैं, आसपास गर्दन के और यहाँ पर, और लास्ट में इसमें क्यूप्रम मेटेलिकम डली हुई है। दोस्तों क्यूप्रम मेटेलिकम नर्व रेमेडी है, नसों में जो खिंचाव और तनाव होता है उसे कम करती है। ये थी मेडिसिन स्पॉन्डिन ड्रॉप में डली हुई। दोस्तों स्पॉन्डिन ड्रॉप
अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और बहुत तेज दर्द होता है आपका, और बहुत तेज दर्द होता है आपको यहाँ पर, या स्टिफनेस होती है, जकड़न अकड़न और चक्कर आते हो, या कमर में भी अगर आपको दर्द हो और नीचे भी दर्द हो, मतलब पूरे वर्टिब्रा में अगर कहीं दर्द हो, स्पॉन्डिन ड्रॉप बहुत फायदेमंद मेडिसिन है। इसको लगातार यूज करने से पहले तो इसको शुरुआत से ही आपको आराम लगेगा। जैसे ही आप इसे लेना चालू करेंगे, दर्द, खिंचाव, जकड़न और चक्कर में आपको आराम लगेगा। अगर आप इसे लगातार लेते हैं, 3-4 महीने लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। दोस्तों आप जानते हैं कैसे आप इसे यूज करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, या लोअर बैक की प्रॉब्लम है, या बैक एक की प्रॉब्लम है, तो आप स्पॉन्डिन ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में, मतलब 1 कप लीजिए, उसमें आधा कप गुनगुना पानी डालिए, उसमें स्पॉन्डिन ड्रॉप लगभग 20 से 25 बूंद डालिए, उसे आप पी लीजिए। ऐसा आप दिन में 3 बार दोहराइए, 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर में, 1 बार रात में। मतलब आधे कप गुनगुने पानी में 20 से 25 बूंद डालना है और दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर और रात में। दोस्तों ये मेडिसिन आपको लगातार लेनी है, तुरंत आपको आराम लग जाएगा। लेकिन मेडिसिन कुछ दिन और लीजिएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाए। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ आप आर्निका 200 पे लीजिए। आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, दर्द को ये ठीक करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, स्पॉन्डिलाइटिस को ये ठीक करती है। तो आर्निका इसमें नहीं डली हुई, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। आर्निका आप 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह पिए, 2 बूंद रात में पिए, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और एक रूमाटोन ऑयल आता है, उसे आप लगाएं, और इसे आप सिंपली मसाज नहीं करना है, सिंपली लगाना है, और इसे आप दिन में 2 बार सुबह शाम लगाएं। तो ये 3 मेडिसिन आप उपयोग करें, स्पॉन्डिन ड्रॉप, आर्निका 200 एंड रूमाटोन ऑयल। यकीन मानिए दूसरे दिन से आपको आराम लगेगा। मेडिसिन आप कंटिन्यू करिए, लगभग 1 महीने में, 2 महीने में, जितना आपको प्रॉब्लम, जितने सालों से, अगर 2 साल से है तो 3-4 महीने लग सकते हैं, अगर 1 महीने से ही प्रॉब्लम है तो 15 दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो अपने हिसाब से ये मेडिसिन कंटिन्यू करिए, इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों स्पॉन्डिलाइटिस में ज़रूर स्पॉन्डिन ड्रॉप यूज़ करके देखिएगा, और जो मैंने बताया है वो मेडिसिन ज़रूर लेके देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम में आपको बहुत आराम लगेगा और प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल दीजिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खासकर मेरी लाइव क्लिनिक भी आती है, लाइव सेशंस भी आते हैं, वहाँ पर आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। जिससे आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, और मेडिसिन भी ज़रूर यूज़ करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।